दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर गाड़ी के टायर काले रंग के क्यों होते हैं? आखिर टायर बनाने वाली कंपनी किसी और कलर का टायर क्यों नहीं बनाती है? शायद आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी गाड़ियों के टायर काले रंग के ही होते हैं। जबकि आज हम टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूव हो चुके हैं, उसके बावजूद भी गाड़ियों के टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? टायर बनाने वाली सभी कंपनियां टायर का रंग काला ही रखना क्यों पसंद करती हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण छुपा हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि टायर का रंग सिर्फ काला ही क्यों होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि टायर रबड़ से बनता है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ का रंग ग्रे यानी सलेटी होता है। तो फिर टायर काला कैसे होता है? दरअसल टायर बनाने के लिए रबड़ में काला कार्बन और सल्फर भी मिलाया जाता है, जिससे रबड़ जल्दी नहीं घिसे। अगर सादा रबड़ का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है, तो कार्बन युक्त टायर 1,00,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में साधारण रबर लगा दिया जाए तो ये जल्दी ही घिस जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए इसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर काफी दिनों तक चल सके। आपको बता दे दोस्तों कि काले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती हैं। रबर मुलायम होगी या सख्त, यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया है। मुलायम रबड़ के टायरों की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं, जबकि सख्त टायर आसानी से नहीं घिसते और ज्यादा दिन तक चलते हैं। टायर बनाते वक्त इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है, और कार्बन काला होने के कारण यह अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी बचता है। आपने किसी टायर को जलते हुए देखा हो तो शायद गौर किया हो कि उससे धुआं बहुत ही काला निकलता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि उसका कारण भी यही ब्लैक कार्बन और सल्फर होता है। तो ये कारण था दोस्तों जिसकी वजह से टायर काले रंग के बनाए जाते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।